जो हम वैरायटी देखते हैं, जो टाइप ऑफ फूड जो आपके नंबर वन कल्पिट है, इज द मोस्ट कॉमन विच इज लाइक बाय एवरीबडी. फॉर एग्जांपल लाइक गोलगप्पा, पानीपुरी, मोमोज, चिकन सैलेड, फ्रेश सैलेड, एंड नॉट पार्शली कुक्ड फूड फ्रॉम आउटसाइड. Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show, and today we are going to talk about food poisoning. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप मेंटली और फिजिकली दोनों एग्जॉस्ट हो सकते हो, और इसको और अच्छे से जानने के लिए आज हमारे साथ फिर से है डॉक्टर पंकज सर. आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है. आप इतना हमको टाइम देते हैं, इतना ज्यादा अवेयरनेस हमारे ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. सर आज हमने टॉपिक लिया है फूड पॉइजनिंग, जो कि हम देखते हैं कि किसी को भी हो जाता है तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि बाहर का खाकर हुआ होगा. तो इसके पीछे मिथ्स भी है, इसके पीछे रियलिटीज भी है, वो आज हम सब कुछ जानेंगे. और पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो यही आता है कि फूड पॉइजनिंग का मेन कारण क्या है. देखिए, फूड पॉइजनिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपने जो भी खाया है वो फूड है, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन है, आइदर वायरल है या बैक्टीरियल है, जो आपका फूड के साथ आपके गट में आ गया है एंड बॉडी में वो फिर टॉक्सिन्स क्रिएट करके आपको सिम्टम्स दे रहा है. सिम्टम्स कैन बी लाइक डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, जिस वजह से आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, माइल्जिया, फटीग, वो सब हो सकता है. सो बेसिकली इट्स इन्फेक्शन विच इज कमिंग विद द फूड डेट यू हैव टेकन, एंड द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ फूड पॉइजनिंग इज टेकिंग आउटसाइड फूड. दिस इज द रियलिटी व्हाट वी आर सीइंग, स्पेशली इन द रेनी सीजन. व्हाट हैपेंस बेसिकली, क्योंकि रेनी सीजन में एवरीथिंग इज इन्फेक्टेड बिकॉज लीक्स की वजह से, पाइप्स के थ्रू भी आपका एवरीथिंग बिकम इन्फेक्टेड विद द जो आपका स्टूल्स के जो आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके कॉन्टेमिनेटेड हो जाते हैं जो फूड में आने की वजह से. एंड द मोस्ट कॉमन जो हम वैरायटी देखते हैं, जो टाइप ऑफ फूड जो आपके नंबर वन कल्पिट है, इज द मोस्ट कॉमन इज लाइक बाय एवरीबडी. फॉर एग्जांपल लाइक गोलगप्पास, पानीपुरी, मोमोज, चिकन सैलेड, फ्रेश सैलेड, एंड नॉट पार्शली कुक्ड फूड फ्रॉम आउटसाइड. तो दीज आर द वेरी वेरी कॉमन कल्पिट विच कॉज फूड पॉइजनिंग, स्पेशली इन रेनी सीजन, क्योंकि वहां पे बारिश की वजह से कॉन्टेमिनेशन के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. ओके सर, अगर हमने कोई भी कॉन्टेमिनेटेड फूड खाया तो कितने टाइम बाद हमको ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. दैट डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस दैट यू हैव कंज्यूम्ड अलोंग विद द फूड. नॉर्मली अगर कुछ का साइकिल 6 आवर्स का है, कुछ का साइकिल 12 घंटे का है, कुछ का साइकिल 24 आवर्स टू 2 डेज तक का भी है. तो द काइंड ऑफ वायरस और बैक्टीरिया कमिंग विद द फूड विल डिटरमाइन कि आपको कितने टाइम बाद उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे. ओके सर, अगर टाइप्स की बात करें तो फूड पॉइजनिंग के कुछ अलग अलग टाइप्स हैं या फिर एक ही पर्टिकुलर टर्म है? फूड पॉइजनिंग इज ए जनरल टर्म बेसिकली, बट इट कैन लीड टू कोलाइटिस, इट कैन लीड टू वोमिटिंग, इट कैन लीड टू गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इट कैन लीड टू फीवर, इट कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस आल्सो. सो फूड पॉइजनिंग इज ए जनरल टर्म, बट इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन किस तरह का है और आपकी इम्यूनिटी किस लेवल पे है और वो कौन से पार्ट को बॉडी में इन्वॉल्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसके सिम्टम्स, उसका प्रेजेंटेशन वेरी करता है. ओके एंड अगर हम बहुत ही कॉमन देखे सोर्सेज तो वो बाहर का खाना ही है. जी, एंड मेन वही है बाहर का खाना. क्या ऐसा हो सकता है कि घर का खाकर भी कुछ भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है? घर पे भी स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, दे आर द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन. एंड अगर आपका खाना प्रॉपरली बॉइल्ड या कुक्ड नहीं है तो घर के खाने से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है. बट वॉट वी हैव सीन इन द प्रैक्टिस, 90% ऑफ द टाइम इस यूजुअली पेशेंट ने ट्रैवल किया होता है या उसने बाहर का आउटसाइड का फूड खाया होता है. ओके, सो दैट वाज द रीजन. सर अगर कुछ ऐसे टिप्स की बात करें टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग तो टिप्स क्या क्या होंगी? या सो इफ यू एक्चुअली फोकस एट एंड टेक सम प्रिकॉशंस, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग. लाइक प्लीज अवॉइड एनी फूड विच इज हाईली कॉन्टामिनेटेड. ओके, व्हाट कैन एंड दोज फूड विच आर नॉट कुक्ड कंप्लीटली.
any fresh food, any raw food will be having high chances of infection. So avoid any fruit salad, any vegetable salad, because it is not cooked. Avoid any kind of food where the hand handling is more, like your golgappas and pani parathas and all. Similarly, momos also have the cauliflower cabbage uncooked inside it. So that is also a cause. So any take hygienic food, take from the good quality food. Avoid similarly water can be the cause of food poisoning also in some cases. Take fresh water. Avoid any kind of food which is you think it is not hygienic. Okay. You think it is not cooked at the good restaurant or something. And take similarly water should be the good quality. Okay. सर अगर किसी को भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो वॉमिटिंग और फीवर ये सब जो आपने सिम्टम्स बताए ये हो सकते हैं तो अगर उसको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो क्या उसको एकदम से मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है या फिर हम कुछ होम रेमेडीज करके घर पर कुछ नुस्खे करके भी इससे हम ओवरकम कर सकते हैं देखिए जो फूड पॉइजनिंग है 50% केसेस के अंदर इट इज इवन मोर देन 50% इट इज सेल्फ लिमिटिंग बिकॉज टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आए हैं तो बॉडी वॉन्ट टू क्लियर इट आउट That's why diarrhea के through body से वो बाहर निकल जाता है vomit करके we are trying to take out of your system. So, but if it is troubling you, if the diarrhea is severe, the vomiting is severe, because severe means अगर आपकी body में उसकी वजह से dehydration हो गया है electrolyte imbalance हो गया है sodium की कमी हो गई है या potassium की कमी हो गई है then it can be dangerous also. So, अगर आपको लगता है कि ये symptoms manageable है tolerable है then you can take medicine or treatment at home but if it is not improving agar aapka diarrhea ka severity and frequency bahut zyada hai if it is more than 5 stools per day then you should rush to doctor okay. take treatment because treatment is very very simple very very cost effective and very very effective okay aur agar sir agar hum kuch antibiotic le rahe hain bahar se to kya wo bhi different food poisoning jo reason hai uske according wo vary karega ya fir hum antibiotic bhi le sakte hain normal